पूछा है किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर क्या करें, इतने बड़े शोक से कैसे उबरें। इस संबंध में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा, ऐसी अवस्था में कुछ भी करने की ना सोचें, क्योंकि इस समय क्या कर सकते हैं जिससे कि इस समस्या का समाधान हो जाए, इस समस्या का हल हो जाए। वास्तव में इस समय इस समस्या का हल खोजने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए इस समय सहज रूप से जो होता है उसे ही होने दें, अपनी ओर से कुछ भी ना करें, कुछ भी करने की ना सोचें। अपने प्रिय के शरीर के ना रहने पर गहन दुख का होना स्वाभाविक सहज। इस अवस्था में अगर आपको रोना आता है तो पूरी तरह जी भर कर पागलों की तरह रोएं, चीखें, चिल्लाएं, जो भी होता है सहज रूप से होने दें। जब दुख पकड़ता है तो पूरी तरह गहनता से उस दुख में डूब जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही तुम्हें पता चलता है कि वास्तव में दुख का अनुभव क्या होता है। जब दुख का पेंडुलम पूरी तरह दुख की दिशा में ऊपर पहुंच जाता है, तब उस दुख के गहन अनुभव के बाद जब दुख का पेंडुलम विपरीत दिशा में जाता है, उस विपरीत दिशा में पहुंचने पर ही तुम्हें वास्तव में सुख का, आनंद का अनुभव होने की अवस्था पैदा होती है। उसके पहले जिंदगी में आनंद की अवस्था का अनुभव पैदा होने की स्थिति ही नहीं प्रकट हो सकती। वास्तव में सारा समाज दुख की खुली अभिव्यक्ति के पक्ष में नहीं रहता, वो दुख को हमेशा छिपाता ही रहता है। उदाहरण के लिए, आप दिन में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और जिससे भी पूछते हैं हाउ डू यू डू, हर व्यक्ति यही कहता है वेरी फाइन, वेरी नाइस, वेरी वेल, थैंक यू। नोबडी सेज आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी सैड। वास्तव में आदमी की आदत है दुख को छिपाता रहता है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं करता, उसे दबाता ही चला जाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में तरह तरह के विकारों की ग्रंथियां बनती चली जाती हैं। मेरा मानना है और पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों के जीवन का ये अनुभव है, आज का मनोविज्ञान भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है, हमें सुख और दुख की अनुभूतियों को सहजता से प्रकट करते रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर लोग पूछते हैं बताएं मेरा प्रिय व्यक्ति क्यों चला गया। मैं कहना चाहता हूं यह प्रश्न बिल्कुल ना पूछें। इसका कारण है कि प्रकृति के अद्भुत रहस्य को तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किसी भी प्रकार से अर्थपूर्ण नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि इस अवसर पर झूठी सांत्वनाएं देने से भी कोई लाभ ना होगा। जिंदगी के घावों पर सांत्वनाओं और व्याख्याओं के फूल रखने पर किसी प्रकार की संतुष्टि मिलना संभव नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वास्तव में झूठी सांत्वनाएं देते हैं। यह अवसर नहीं है इन बातों को समझाने का, क्योंकि इन बातों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसी बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि इनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे में संपूर्ण रूप से उपस्थित होकर इस मृत्यु की घटना का सामना करें, सोच विचार में ना पड़े, क्योंकि सोच विचार में पड़ना इस स्थिति से पलायन करना होगा। घटना का सामना करने के बजाय घटना की स्थिति से अनुपस्थित हो जाने जैसा होगा। किसी भी जीवन समस्या के आ जाने पर सोच विचार में ना पड़कर समस्या के साथ एक हो जाए, यानी समस्या में गहरे डूब जाए,
समस्या में गहरे डूब जाने का अर्थ है समस्या के मूल में पहुंच जाना, समस्या के साथ एक हो जाना। और समस्या के साथ एक हो जाना, समस्या में गहरे डूब जाना, यही समस्या का स्वतः सबसे शक्तिशाली समाधान बन जाता है। और आप हैरान होंगे जानकर, ध्यान का भी सच्चे अर्थों में यही गहरा अर्थ है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। प्रेम में होने पर भी हम पूरी तरह विचारों से मुक्त होकर प्रेम में गहनता से डूबते नहीं, प्रेम में गहरे हो नहीं पाते। इसी तरह मृत्यु की घटना में भी हम मृत्यु के साथ पूरी तरह एक नहीं हो पाते, हम मृत्यु के अनुभव की गहराइयों में नहीं जा पाते। और इसीलिए हमारे भीतर से मृत्यु के अनुभव से पैदा होने वाला समाधान प्रकट नहीं हो पाता। हम तुरंत तरह तरह के विचारों में उलझ जाते हैं, इसलिए हमें सच्चे अर्थों में मृत्यु के अनुभव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, मृत्यु के अनुभव से उत्पन्न होने वाला समाधान उपलब्ध ही नहीं हो पाता। और यही एक सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे जीवन के सभी महत्वपूर्ण सत्य हमारे लिए दुखदायी बन जाते हैं, अन्यथा वे सारे ही हमारे लिए परम मुक्ति का माध्यम बन सकते हैं, वे हमारे लिए परम मुक्तिदायी हो सकते हैं।